निर्देशक महोदय का आगमन, भारतीय विमानपत्तन विमानन अकादमी के प्रांगण में इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय ध्वज का ध्यान किया है। अपने घरों में तिरंगा फहराते हुए आ रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो। बचपन में जो तिरंगा होता था सिर्फ कपड़े का होता था, प्लास्टिक का नहीं। हम उस दौर से गुजरे हुए हैं जब छाती में जो पिन लगाया जाता है वो सिर्फ कागज का होता था, प्लास्टिक का नहीं। हम उस दौर से गुजर कर आए हैं 15 अगस्त के दिन स्कूल कॉलेज में सारे एरिया को झंडियों से सजाया जाता था और झंडियां वो कपड़े ये कागज की होती थी, तिरंगे रंग की, और उसको एक रस्सी में चिपकाया जाता था और उसमें गम नहीं होती थी। किसी एक बच्चे को बनाया जाता था जो ये आप आटे की लेवी बनाते थे और उससे पूरा स्कूल कॉलेज को सजाया जाता था। और हम उस दौर से गुजर कर आ रहे हैं जब स्कूल में किसी चार बच्चों को फैंसी ड्रेस में, चार लिबाज में पेश किया जाता था, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, और चारों के हाथ में हिंदुस्तान का झंडा दिया जाता था और उसके बाद एक देशभक्ति गीत गाया जाता था। उस दौर से गुजर कर आ रहे हैं जब हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं था, जब हमारे पास फेसबुक नहीं था, जब हमारे पास गूगल नहीं था। हमने जो इतिहास पढ़ा है वो किताबों से पढ़ा हुआ है और उसी इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है हमारे देश के जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनमें नाम आता है भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़ गए थे। हमने इतिहास में चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपने आप को जिंदा ना सौंपने के बजाय
अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आए। हमने इतिहास में सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है, हमने इतिहास में जतिन दास के बारे में पढ़ा है, हमने इतिहास में लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा है, हमने इतिहास में गोखले के बारे में पढ़ा है, और हमने इतिहास में हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा है। हमने इतिहास में उन कई वीर क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है जिन्हें काला पानी में बंदी बनाकर लेकर चले गए, वो वापस कभी नहीं आए, वहीं के वहीं दफना दिए गए, उन्होंने आजाद हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं। हमने इतिहास में हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ा है जिन्हें सारा संसार जानता है, आज भी उनकी आइडियोलॉजी पर गांधीयन थॉट के ऊपर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रहा है, बड़े बड़े विकसित देश में उनकी मूर्तियां सजाई गई है, उनके पाठ पढ़ाए जाते हैं, यूं ही नहीं किसी को महात्मा का रूप दिया जाता। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही ये महात्मा शहीद हो गए, और उनके मुंह में एक आखिरी शब्द था, हे राम। आप भी आज राजघाट में जाएंगे तो उसकी जो समाधि है उस पर हे राम का शब्द आपको दिखाई देगा। और जब उन्होंने इस देश से छोड़ के चले गए तो उस वक्त नेहरू जी ने अपनी स्पीच में कहा था, जो अंग्रेजी में दी थी, कहा था, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ एंड देर इज डार्कनेस एवरीवेयर, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, आवर बिलोव। आज के दिन हम सबको याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी को कामयाब रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, फिर चाहे वह 1965 इंडो पाकिस्तान की वार हो या फिर 1971 की वार हो जहां बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आज के दिन हमें कारगिल के शहीदों को याद करना चाहिए, आज के दिन हमें उन सभी सिपाहियों को याद रखना चाहिए जो आए दिन सरहद में शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, इस 78 ईयर्स की आजादी में हमारे देश में बहुत सारी प्रगति की है, और ये सब हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। अगर आप एविएशन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में एविएशन इंडस्ट्री में थर्ड लार्जेस्ट मार्केटिंग में है, थर्ड लार्जेस्ट, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जगह जगह एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, भारत सरकार ने छोटी छोटी जगहों पर एयर से कनेक्ट कर दिया है, और दूर दराज के गांव में जिन्हें सिर्फ जहाज देखने का एक सपना होता था, आज वो जहाज की सवारी कर रहे हैं। और इस भारत में एविएशन इंडस्ट्री के प्रोग्रेस में हमारी इंडियन एविएशन अकेडमी की बहुत बड़ा हाथ है, यहीं से ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेकर लोग एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, यहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स प्लानिंग की ट्रेनिंग लेकर लोग एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, यहीं से सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेकर लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे सामने जो 158 जूनियर एक्सिक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन सर्विस, यहीं से ट्रेनिंग करके पास आउट कल हो रहे हैं, और भारत के कोने कोने में तैनात किए जाएंगे। हम अगले 30-40 सालों के लिए भारत के एयरपोर्ट्स इन्हीं के हवाले कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस आजाद भारत के निर्माण में आने वाले दिनों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इन सबको बनाने के लिए एकेडमी में एक एक जन का मैं आभारी हूँ, ट्रेनिंग को HR के हो या फाइनेंस के हो। मैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्रेटरी को भी और उसकी समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो दिन रात मेहनत करके
इस अकाडमी से सिक्योरिटी की ट्रेनिंग को बरकरार रखते हुए वो हमारे एयरपोर्ट में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उसको सुरक्षित रह रहे हैं। मैं हमारे सिविल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस ट्रेनिंग के दौरान किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। मैं हमारे एमटीएस स्टाफ के आभारी हूं जिसका इन अकाडमी को चलाने के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कैटरिंग स्टाफ को जो इस हमारी अकाडमी जो भी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना बना के देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को जिन्होंने इस अकाडमी को पूरे एक चमक दमक से रखा हुआ है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में आजादी सिर्फ हमें अंग्रेजों से नहीं मिली, हमारे देश अलग अलग प्रांतों में बिखरा हुआ था। आजादी के दौरान इन सब को गठन करना और देश को एक गणतंत्र के रूप में सामने लाया गया था। हमारे संविधान के दाता श्री बी आर अम्बेडकर जी ने कई अधिकार प्रदान किए, जातिवाद को खत्म किया, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया, हमें बोलने की आजादी दी, लेकिन साथ ही साथ हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहा गया। फंडामेंटल राइट के साथ साथ हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी गई, लेकिन कई बार हमें अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और सरकार से सिर्फ अपने अधिकारियों की आलोचना करते हैं। राम के सामने दो विकल्प थे, वो के वन में चला जाता, उन्होंने दूसरा विकल्प अपनाया, वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वनवास चले गए। और यही चीज हमारी गीता भी बताती है, अपने कर्मों का पालन पहले करो और फिर अपने अधिकारों के बारे में सोचो। और आज का नौजवान हमारे रास्ते से भटका हुआ है, वो किताबों से निकलकर व्हाट्सएप की दुनिया में घुस चुका है, फेसबुक गूगल दुनिया की दुनिया में। एक कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उसको जाति के नाम से जोड़ा जाता है, किसी प्रांत के नाम से जोड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात है किसी धर्म के नाम से जोड़ा जाता है। और फिर इस देश को तोड़ने वालों उस व्हाट्सएप को वायरल करते हैं। कई लोग ऐसी कमेंट्स करते हैं जो आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं, और आग में तेल डालने की कोशिश करते हैं, देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं। क्या यही हमारी आजादी का रूप था? क्या यही इसी आजादी के लिए लोग शहीद हो रहे हैं? दोस्तों, हमें ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस को से दूर रहना है। हम सब भारत के लिए एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम भारत को जोड़कर रखें, ना कि तोड़ने के बहकावे में आए। मोहम्मद इकबाल ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब संगीत से पूछा गया कि तुम्हें क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद रफी भी पसंद है और मुझे लता मंगेशकर भी पसंद है, मुझे नौशाद भी पसंद है और मुझे शंकर जयकिशन भी पसंद है। इसी प्रकार हमारे देश को हमारे महान नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जरूरत है, और हमें हमारे जो प्रेसिडेंट जो इस दुनिया में नहीं अबुल कलाम की भी जरूरत है। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हमारा देश एक फुलवाड़ी की तरह है, यहाँ तरह तरह के फूल की देखभाल करना है, ये नहीं करना कि किसी फूल को तोड़ के फेंक देना, एक एक फूल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और मैं चाहता हूं कि ये फुलवाड़ी
इस प्रकार से बन जाए कि सारे देश में, सारे संसार में इस फुलवाड़ी की खुशबू चले जाए। मैं इसी के साथ आप सबको दोबारा बधाई देता हूँ इंडिया के 78 इंडिपेंडेंस डे में, सबको मुबारकबाद देता हूँ, सब खुश रहें। हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और इसी के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगी जॉइंट जीएम एचआर से कि हमारे विभाग अध्यक्ष श्रीमान लाहौरिया जी का ये पगड़ी पहनाकर सा सम्मान, उनका धन्यवाद करें जिनके मार्गदर्शन में हम सारा साल, उन्होंने हम सबका धन्यवाद किया है। सर आपका विशेष धन्यवाद कि सारा साल आपके मार्गदर्शन में हम सभी कार्यों को आपकी आधारशिला रख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं